आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बहन, तुम्हें इतना दुखी नहीं होना चाहिए। हो सकता है पुरोहित जी से गणना करने में कुछ असावधानी हो गई हो। वो सब तो ठीक है दीदी, पर ये सदा हमारे साथ ही क्यों होता है? अभी तो हम खुशियों को ठीक से छू भी नहीं पाए और अचानक फिर से संकट के बादल घेरा है। बेटा, जीवन तो जल की धारा है और सुख दुख दो पड़ाव। जीवन इन पड़ाव पर आकर रुक तो नहीं जाता। हमें जीवन को उसी रूप में जी लेना चाहिए जिस रूप में वो हमारे सामने आता है। इसी में हमारी जीत है। हम ये सब समझते हैं माँ, पर अपने दिल को कैसे समझाएं? हम इस बात को कैसे स्वीकार करें कि हमारे दूध धोए लाडले का जीवन कष्टों से भरा हुआ है? माँ, जब से पुरोहित की वो बात सुनी है, वो बात हमारे दिल में तीर की तरह धस गई है। माँ बताइए ना, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमारे लाडले के सारे संकट अपने पर ओढ़ ले और हमारे लाडले का जीवन खुशियों से भर जाए? बेटा, अगर माँ के बस में होता तो अपने भाग्य के हर सांस पर वो अपने संतान का नाम लिख लेती। लेकिन ऐसा कहीं होता है पगली? माँ तो सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकती है अपने संतानों के लिए। करता तो वो है सब कुछ, ऊपर वाला। भाई पता, आसमान चीरो, धरती खोदो, कुछ भी करो, उस वैद्य की पत्नी को खोज कर लाओ। यदि वो महाराज के पास पहुंच गई तो हमारी सारी की सारी योजनाएं थरी की थरी रह जाएंगी। हमने उसे कहां कहां नहीं खोजा ठाकुर जी। कन्नौज का चप्पा चप्पा छान मारा, उसके सगे संबंधियों को कोड़े मार मार कर उसका पता पूछा, किंतु किसी के भी पास उसके बारे में कोई समाचार नहीं है। ठाकुर जी, मुझे तो लगता है कि वो कन्नौज की सीमा से बाहर जा चुकी। तो तुम किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हो? तुम भी कन्नौज की सीमा के पार चले जाओ और उस समय मेरे पास वापस आना जब तुम्हारी ये तलवार उस वैद्य की पत्नी के रक्त से रंगी हो। जाओ। आप अभी तक सोए नहीं पिताजी? बुढ़ापे और नींद का पुराना बैर है। बिस्तर पर लेटता हूं तो हजारों चिंताएं मन को घेर लेती हैं। तुम इस समय? आपसे बात करने को मन चाह रहा था। तुम्हारी चिंता समझता हूं, पर राजा का जीवन शत्रुओं और षड्यंत्रों के बीच गुजरता है। पृथ्वी की कुंडली में ऐसा कुछ नया नहीं है जिसके लिए चिंतित हुआ जाए। और फिर हीरा जितना कटता है उसकी चमक उतनी बढ़ती है। और राजनीति में कौन किसका सगा होता है? क्या हम हर पल हर किसी से सजग नहीं रहते? और रहना भी चाहिए। विश्वास की सीमा कहां पे खत्म होती है और धोखा शुरू, ये हम कभी समझ ही नहीं पाए। और कन्नौज से हमारे लिए विष यहां पहुंच गया है, तो फिर विश्वास जैसे शब्द का अर्थ ही क्या है? हमारी चिंता का कारण यही है। यदि इस विष का रहस्य खुल जाए। हमारे सैनिक उस वैद्य की पत्नी को खोज रहे, परंतु खोज तो वह भी रहे होंगे, पता नहीं जीवित भी है या नहीं।
ऐसे देख जी चाह रहा है कि हमारा बचपन भी लौट आए। हम आपकी गोद में हूं और आप हमें लोरी का कर सुनाए। राणा जी आप भी ना, एक तो हमसे सुलाया नहीं जाता और यदि हम दूसरे को सुलाने बैठे ना तो रात दिन हम बस लोरी गाते रह जाएंगे। राणा जी देखिए तो कुंवर जी नींद में कैसे मुस्कुरा रहे हैं। और कुंवर जी आप अपनी मां को ऐसे ना सताएं। अच्छा तो आप भी अपनी मां के साथ मिल गए, ये ठीक बात नहीं है कुंवर जी। महारानी हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो क्या करेंगे आप? हम आपका काम बांट लेंगे, आप लोरी गाकर सुनाइए और हम कहानी सुनाते हैं, तब तो आप सो जाएंगे कुंवर जी। प्रणाम ठाकुर जी। ठाकुर जी इस बार मैं ऐसी तलवार लाया हूं जिसकी धार कभी नहीं चुकी आज तक, मौत से भी तेज धार है उसमें। तो लेकर आओ उसे, हम भी तो देखें कि वो ऐसी कौन सी तेज धार तलवार है जो हमारी दृष्टि से बची रह गई आज तक। जाओ। ठाकुर जी तो ये है तुम्हारी कभी न चूकने वाली तेज धार तलवार महीपत। यदि इस वृद्ध शरीर में खड़े होने तक की भी शक्ति होती तो संभवतः मैं तुम्हारी बात मान लेता। क्षमा कीजिएगा राणा जी, मौत तो केवल एक छलावा है, केवल एक धोखा, और मेरी इन कमजोर हड्डियों के धोखे में मत आइएगा। ये जो चपला है ना, ये जिस रास्ते से भी गुजर जाती है ना, माएं बच्चे जन्ना बंद कर देती है। और इस चपला की हाय से बस्तियों की बस्तियां बर्बाद हो जाती है। ये काम इतना आसान नहीं है बुढ़िया। मौत के लिए तो कोई भी काम कठिन नहीं है राणा जी। तूने कभी किसी राजकुमार की हत्या की है? बोलो। बोलती तो आज जीवित कैसे रहती? समझदार हो महीपत जी, इसे काम समझा दो।
और धन देकर महल में पहुंचाने की व्यवस्था करो। क्षमा कीजिएगा राणा जी, ये जो चपला है ना, अपना हर काम अकेले करती है। वो क्या है ना कि जितने हाथ उतने हिस्से, और अपना हिस्सा बांटना इस चपला को आता नहीं है। इस तलवार में धार है। क्या हुआ, कुंवर रो क्यों रहे हैं? महारानी जी, कुंवर जी को जोरों की भूख लगी है। हम इन्हें कब से दूध पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये है कि दूध पीते ही नहीं। हमने आपसे कहा था ना, कुंवर जी केवल हमारा दूध पिएंगे और किसी का नहीं। महारानी, इस काम के लिए हम हैं ना सेविकाएं, तो फिर आप, और फिर अभी तो आप बहुत दुर्बल भी हैं। बच्चे को दूध पिलाने के लिए माँ कभी दुर्बल नहीं होती। और ये तो अजमेर का भविष्य है, इसे शक्तिशाली ही होना चाहिए। और इसके लिए माँ के दूध से बेहतर दूसरा कुछ भी नहीं। क्षमा करें महारानी, पर ये तो जाने कब से चला आ रहा है, महारानियां केवल कुंवरों को जन्म देती हैं, दूध तो वह हम सेविकाओं का ही पीकर बड़े होते हैं। हम उन माओं में से नहीं है जो अपने छाती में इतना भी दूध ना उतार सके कि अपने बेटे को किसी और का दूध पिलाना पड़े। महारानी, यदि आप रूठ ना जाएं, तो एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कहो। महारानी, दूर पहाड़ों में कोई एक योगिनी तपस्वी सन्यासिन रहती है, उनका नाम जगत माता है। हाँ, उनके बारे में हमने भी सुना है। हाँ महारानी, हमने तो एक बार उन्हें देखा भी था। उनकी छातियों से स्वयं ही दूध की धार फूट पड़ती है, और कहते हैं वो किसी बच्चे को अपना दूध पिला दे तो उस बच्चे के जीवन के सारे संकट स्वयं ही कट जाते हैं, और बुरी बलाएं उनके पास तक नहीं आती। महारानी, यदि आप एक बार कुंवर को उनके पास, हम उनसे एक बार अवश्य मिलना चाहेंगे। महारानी, कहते हैं यदि जगत माता को सच्चे मन से याद करें तो वो अपनी योग विद्या से स्वयं ही उनके पास आ पहुंचती हैं। अरे आ गई तू, तुझे ही याद कर रही थी, पहुंचिएगी। अमावस की जन्मी हूं मैं, मौत तो मेरी सखी है। वैसे जिंदगी के दिन नहीं गिना करती मैं, पर ये बता बुढ़िया, वो विष तुझे मिला या नहीं, या आज भी खाली हाथ लौटाएगी मुझे? तेरी भाग से कल ही मिला वो लव, 2 बरस से ढूंढ रही थी मैं उसे, रसोई में पिल बनाकर दुबक गया था कहीं, काला भुजंग, सर पर बाल है उसके, फुंकार दे तो 100 कोस तक कोई सो नहीं सकता, और विष ऐसा कि छू भर जाए तो प्राण निकल जाए। लेकिन तू झूठ तो नहीं बोल रही ना? कहे तो दिखा दूं, सोया है इस पिटारे में। वैसे एक बात बता चपला, ऐसे भयानक विष की क्या अन पड़ी है तुझे? अजमेर के राजकुल को निपोता करना है मुझे। बोल कैसी रही? बच्चे को मारना है? हाँ। अरे उसे तू ही छू भर जाए ना तो तड़प तड़प कर प्राण दे देगा। बस बस बातें मत बना, पहले मुझे जल्दी से वो विष दिखा। ये देख, वैसे चपला तू ये उसे देगी कैसे? Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।